यदि आप दही वाले ग्रेवी की सब्जी बना रहे हैं तो इसे माध्यम आंच पर पकाएं और उसमें उबाल आने के बाद नमक डालें। इससे दही फटेगा नहीं और सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी। यदि रात में चना भिगोना भूल गए हैं तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकड़े मिक्स कर दें। चना भी आसानी से गल जाएगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। दही बड़े बनाते समय दाल फेंटते समय उसमें एक उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर दें। वो बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट बनेगा। केक के गोल में एक टेबलस्पून शहद मिलाकर केक अधिक स्पंजी बनेगा। कुरकुरे मूंग दाल का चिल्ला बनाने के लिए उसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिला दें। पूरी बनाते समय तेल में थोड़ा सा विनेगर मिलाने से पूरी को अच्छी तरह से तेल नहीं लगेगा और पूरियां नरम भी बनेंगी। फिश को अच्छी तरह से धोकर उसमें शक्कर लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर इसे फ्राई करके क्रिस्पी फिश का स्वाद लें। दाल को एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगले दिन पकाने से जल्दी पकने के साथ साथ पोषक तत्व